मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर सितंबर माह में उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर धार जिले की बदनावर विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से टिकट की मांग स्थानीय उम्मीदवार को लेकर तेज हो गई है। आपको बता दें कि बदनावर उपचुनाव में स्थानीय उम्मीदवार का टिकट की मांग करने वाले यहां लगभग 16 उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट तैयार हो गई है, जो टिकट पाने का अपने अपने स्तर से कयास लगा रहे हैं और उज्जवल भविष्य का सपना भी देख रहे हैं। मगर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को मात दे पाने में ये स्थानीय लोग कितना सक्षम हैं, यह तो ये खुद और पार्टी के आला नेता भी बखूबी जानते हैं। मगर फिर भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले स्थानीय कार्यकर्ता टिकट की मांग पर अड़े हैं। उनमें से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला भी हैं। समाचार एक्सप्रेस के मध्य प्रदेश स्टेट हेड अमर वर्मा ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है सांखला ने, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। समाचार एक्सप्रेस पर आज हम दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। ऐसे में भूतपूर्व कमलनाथ सरकार को भी काफ़ी टिकट को लेकर, तो इधर भाजपा में टिकट को लेकर काफ़ी जो है तेज चल गई है। अब हम बात करेंगे कि बदनावर विधानसभा से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तब से ही यहां पर भाजपा कांग्रेस के जो वरिष्ठ स्थानीय नेता है उनकी टिकट को लेकर उम्मीदवारी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ सुनील सांखला, जो कि कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश सचिव हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्थानीय टिकट मिले, स्थानीय लोगों को टिकट मिले, बाहरी व्यक्ति को टिकट ना मिले। अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हमारा क्या होगा, हम इतने समय से काफ़ी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के लिए जो है काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ही कांग्रेस का झंडा उठाते रहेंगे। तो हम बात करेंगे कि सुनील सांखला जी से, अगर उन्हें टिकट मिलता है और नहीं मिलता है तो क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सुनील सांखला जी, आपका समाचार एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सांखला जी, मेरा ये है कि आप भी स्थानीय उम्मीदवार को लेकर बदनावर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? हम स्थानीय मुद्दे पर कांग्रेस में बदनावर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहां से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट प्रदेश कांग्रेस देगी तो निश्चित रूप से विजयी होगी। सांखला जी, अगर यह स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर आप भी बगावत करेंगे? नहीं, हमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से बदनावर विधानसभा में इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, और जब उन्होंने विश्वास दिलाया तो इस ओर तो हमारा ध्यान है ही नहीं, हम तो स्थानीय मुद्दे पर कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं, संगठन की तैयारी कर रहे हैं। सांखला जी, मेरा यह सवाल है कि अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस आला कमान यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देती है, तो ऐसा आपको लगता है कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उनके सामने ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार रहेगा क्योंकि उनको हरा सके? स्थानीय उम्मीदवार निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का स्थायी कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस छोड़ के नहीं गया है। यहाँ पर जो विगत 30 साल से प्राइवेट लिमिटेड के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो ही गए हैं, और मजबूत कांग्रेसकर्ता ये बदनावर में है, जिससे कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी। और अगर मान लो कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है सांखला जी, तो फिर क्या आप कांग्रेस की मदद करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर क्या करेंगे आप? हम कांग्रेस संगठन के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे, मगर हमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से स्थानीय उम्मीदवार मिलेगा और जैसा फिर पार्टी का निर्देश होगा उसे मान्य करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि जो 16 उम्मीदवार की लिस्ट चल रही है स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, उसमें कमल सिंह पटेल जो वो भी एक दावेदार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर हमारे स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा तो हम फिर कांग्रेस का साथ नहीं रहेंगे।
इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? कमल सिंह जी पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं कानवन के, और उनने क्या कहा ये तो मुझे पता नहीं है, मगर वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सांकला जी, एक मेरा अगला सवाल है कि आप उमंग सिंगार जो कि वन मंत्री रहे उनके काफ़ी करीबी माने गए हैं, अभी ऐसी स्थिति में वो किसी और को टिकट देना दिलाने के लिए आपने उनको उनका मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे सूत्रों का माने तो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे, इस बारे को आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फ़ोन उठा रहे हैं, मेरी बात भी हो रही है और वो निश्चित रूप से स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में है, जिसका सर्वे में नाम आएगा, टॉप पे नाम रहेगा, उसे टिकट मिलेगा। मेरी उनसे बात हुई है, कई बार बात हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से जिसका सर्वे में टॉप नाम आएगा उसे टिकट दिलाया जाएगा। हाँ देखिए सांकला जी, मेरा ये सवाल है कि जो स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं, आपका कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार सर्वे में जो भी आएगा, लेकिन ऐसे भी जो उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर रहे हैं जो कि जनपद का चुनाव भी हार चुके हैं, सरपंच का चुनाव हार चुके हैं और वो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस सीट को खो देगा, तो क्या कहेंगे? अगर बाहर से किसी व्यक्ति को उतारते हैं कांग्रेस पार्टी, तो उसका समर्थन करेंगे या फिर सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा लेके ही आप संकुचित रह जाएंगे? वर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर स्थानीय उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में है। आज विगत 35 वर्षों से किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया है, मगर आज जो आम जनता, हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो जनता का कहना है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार हुआ तो निश्चित रूप से जीतेंगे, उसमें हमें हमारी विरोधी पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लोग भी साथ हैं, और उनका कहना है कि निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की हत्या हुई, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके विरोध में आम जनता है कि अगर कांग्रेस से किसी भी उम्मीदवार को अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से विजय होगा। नहीं तो सांकला जी, जैसे कि कमलनाथ जी का फोकस है कि 24 सीटों में से कम 22 सीट जीतकर वापस फिर से एक बार झंडा फहराना है, 15 अगस्त पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री झंडा फहराएगा, तो ऐसे में उनका फोकस है उन पर, आप क्या उनका पूरा साथ देंगे अगर वो कभी बाहर से उतार देते? नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं और स्थानीय मुद्दे पे साथ हैं, अगर हमारी पार्टी उचित समझेगी तो हम सब लोग मिलकर बैठकर निर्णय लेंगे और पार्टी संगठन के साथ रहेंगे, हम तो चाहते हैं कि 24 में से 24 सीट कांग्रेस जीते। तो सांकला जी, अगर ये जो 16 जो लोग हैं इसमें से कितने आपके हिसाब से कितने लोग ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस की सीट बदनाम से निकाल लेगा उसमें से? नहीं, कांग्रेस में तो जो 16 उम्मीदवार है 16 ही मजबूत है, मगर सर्वे में जिन लोगों का नाम आएगा पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करने के बाद जिसे टिकट देगी स्थानीय में, हम उसके साथ रहेंगे, पूरे मन तन धन से हम उनका सहयोग करेंगे। तो आपको क्या उमंग सिंगार जी का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो किसी और का मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं विगत 20 साल से उमंग सिंगार जी के साथ में हूँ, उमंग सिंगार जी मेरे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं और पार्टी संगठन के नेता भी हैं, मैंने उनके साथ कई काम किए हैं पार्टी में, लोकसभा, विधानसभा और बाहर भी काम किया है, वो निश्चित रूप से मेरा और हम सब लोगों का सहयोग करेंगे और कांग्रेस को बदनौर से विजय दिलवाएंगे। सांकला जी, मेरा अगला सवाल है कि क्या अगर भाजपा को मात देने में सक्षम होगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी पूरी तरह से भाजपा भी किसी कहीं ना कहीं अल्पमत की सरकार है, ऐसे में अगर कांग्रेस अपनी सीट निकाल लेती है तो वो कांग्रेस सरकार बन सकती है? कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से बनेगी और माननीय कमलनाथ जी का विश्वास है कि हम 24 में से 24 सीट जीतेंगे और अगला 15 अगस्त पे निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार होगी और 15 अगस्त पे भोपाल से कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील सांकला जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव कमेटी के सचिव हैं, जिनका कहना है कि पार्टी, हालांकि इनका भी कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार की मांग तो है लेकिन जो आलाकमान कहेगा उस पर निर्णय होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.